बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको ख्वाब में मोती देखने की ताबीर बताती हूँ। हज़रत इब्ने सीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में मोती का देखना खूबसूरत दौलतमंद औरत को देखना है। अगर देखे कि इसके पास मोती है तो दलील है कि औरत को तलाक देगा, और अगर देखे कि इसके पास बहुत से मोती हैं तो दलील है कि वो बहुत सा सामान हासिल करेगा। हजरत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में सफेद मोती फर्जंद है, और अगर देखे कि इसके पास सफेद मोती है तो दलील है कि इसके यहाँ फर्जंद पैदा होगा। और हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में मोती का देखना 8 वजह पर है। अव्वल माल, दूसरा इल्म, तीसरा मशहूर फर्जंद, चौथा बेश कीमत, पांचवा खूबसूरत औरतें, और छठा फायदेमंद हाथ, और सातवां है खैर और बरकत, और आठवां है नेक काम करना। और अगर साहिब ख्वाब पारसा नहीं है तो इसके लिए पशेमानी पर दलील है, और ख्वाब में गौहर फरोश साहिब इल्म हिकमत है। और नाज़रीन, हजरत इब्राहिम करमानी ने फरमाया है कि अगर देखे कि मोती बेचता है तो दलील है कि औरतों के शुगल में मशगूल होगा और दलाली करेगा, और अगर देखे कि बाज मोतियों में सुराख हैं और बाज की बाबत इल्म नहीं है तो दलील है कि कुंवारी और बेवा औरतों की दलाली करेगा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को भी आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।